नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, कल है वसंत पंचमी, 14 फरवरी बुधवार का दिन। बहुत ही बढ़िया, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखोगे तो 14 तारीख, 1+4=5, 5, 5 का अंक होता है बुधवार, बुध का, और कल है बुधवार। ये कॉम्बिनेशन बहुत गजब का आया है। वसंत ऋतु मतलब हरियाली की ऋतु, हरियाली का जो कलर है हरा, ये बुध से जुड़ा हुआ है। वसंत ऋतु में आने वाली है वसंत पंचमी, मतलब माँ शारदा का दिन। आज के दिन माँ शारदा की पूजा करने से, माँ शारदा को प्रसन्न करने से जीवन में हरियाली ही हरियाली रहती है, मतलब जीवन में रौनक ही रौनक रहती है। आज के दिन जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, अगर माँ शारदा की पूजा कर लेते हैं, ओम एम सरस्वते नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, अपनी बुक के ऊपर गांडीव शब्द लिख दें, जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए घर से निकलते हैं, गांडीव शब्द 5 बार बोल करके निकले, और आज के दिन इस शब्द को बुक के ऊपर आप लिख दो, गजब का रिजल्ट आएगा। कोई भी पढ़ने लिखने वाला बच्चा, आप देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि माँ शारदा की जिसके ऊपर कृपा बरसती है वो ज्ञानी और पराक्रमी होता है। जो सिंगर से गायक है उन्हें तो माँ शारदा की पूजा आज बिना भूले कर लेनी चाहिए। आज माँ शारदा को वीणा अर्पित करें, घर में वीणा लेकर के आए। वीणा ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे माँ शारदा के स्वर पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं। नारद जी को भगवान शिव ने वीणा प्रदान की थी, इसको लेकर के जाओ भगवान विष्णु के गुणगान कर, पूरे ब्रह्मांड में नारायण नारायण करते हैं वीणा के साथ। तो आज घर में वीणा जरूर लानी चाहिए, वो जो गायक है। महिलाएं हैं उन्हें आज बिना भूले हरे कलर की साड़ी पहननी चाहिए और मस्तिष्क पर हरे कलर की बिंदी लगानी चाहिए, इससे घर में गजब की रौनक आएगी। और आज अगर कुछ और ज्यादा ना भी कर पाए तो सुबह स्नान के पहले या स्नान के तुरंत बाद कम से कम 14 बार ओम एम सरस्वते नमः इस मंत्र को बोलें। सोते के साथ बोल सकते हैं, भूल जाए तो स्नान के बाद तुरंत बोल दें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। हमेशा हमेशा माँ शारदा की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।